अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे फाल्कन। फाल्कन यानी कि कहते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है, बट उसको कहते हैं अगर अरबी में बोलें तो ट्योर बोलते हैं, अगर हम पाकिस्तानी ज़बान में बोलें उर्दू और हिंदी में तो शाहीन और बास के नाम से कहा जाता है, शाहीन बास। तो ये फाल्कन है, ये ख़ास तो मैं यूएई में हूँ, यूएई अलैना अबू धाबी में। तो उसके हिसाब से यानी टॉपिक बनना चाहिए। तो यूएई में इस पे जो है बहुत इसकी डिमांड है, यानी कि इसकी इतनी डिमांड है कि हमारे मुल्कों के नेटवर्क पर जो सॉरी क्या कहते हैं नोट पर उस पर पैसा दिया गया, इसके क्या कहते हैं पैसे पर जो पिक्चर दी गई है हमारी कैद अजम की है, इंडिया की गांधी की, यानी कि जिनके भी होते हैं इनकी ये दी जाती है। लेकिन यूएई का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें इनके इसकी पिक्चर दी जाती है, इसकी देखें इसकी यानी फाल्कन त्योर शाहीन, ठीक है। इसका नाम है ये शाहीन बिन शाहीन, यानी वाश इसको जंगल से पकड़ा गया है। तो बाकी दूसरे भी होते हैं, तो वैसे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको और भी दिखा दूँगा, फिर दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो टॉपिक ये है कि ये वैसे तो कहा जाता है कि किंग ऑफ बर्थ यानी कि बादशाह है, तो वैसे भी अभी देखें ये बहुत दर्द आए तो उसको भी काफ़ी करना ज़रूरी है। ये देखें कैसे वापस आया। तो इनका जो है मेन चीज़ ये है, इनकी रेस भी होती है, यानी कि अरबी में बोलें तो इशारा बोलते हैं, रेस भी होती है। और इनके इनसे फिर शिकार भी करते हैं, इनको पहले ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद इनको आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, और तो इनसे फिर दूसरे परिंदों का शिकार करते हैं, जैसे कि बदफर्स कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, यानी कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ये पकड़ लेते हैं, देखें तो ये पकड़ लेते हैं। तो बहुत यानी कि ये पावरफुल हैं, अच्छे इनकी डिमांड भी है, हम इनको ट्रेन करते हैं। मेरे प्रोफेशनल तो यही, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो फाल्कन ट्रेनर और अरबी में बोला जाए तो सगार, तो उर्दू में तो आपको पता ही होगा कि बाद वाला। खैर आगे चलते हैं। तो ये वैसे बहुत ही औसम है और माशाल्लाह मेरा प्रोफेशन ये है कि इनका अबाउट ये है कि ये इनको ऐसे ट्रेनिंग ले लेते हैं कि ये दूसरे परिंदों को पकड़ सकते हैं। और फिर इनकी रेस भी होती है, जो मैंने कि बाज बोले फाल्कन बोले या जो भी इनकी स्पीड में रेस होती है, तो माशाल्लाह।